मैं हूं आपके साथ इंशान, नेशनल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में कल वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर जनपद फिरोजाबाद के जिलाधिकारी रवि रंजन के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम की रूपरेखा को अंतिम मोहर लगा दी गई है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश कर्दम के द्वारा फिरोजाबाद के दाऊदयाल खेल स्टेडियम में कल होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए संभागीय प्राविधिक निरीक्षक RI अखिलेश यादव के संग निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश कर्दम के द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में 1260 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसको विभिन्न सरकारी अर्ध सरकारी शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से लगवाए जाएंगे। साथ ही उनकी देख रेख के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट इरफान अब्बासी के साथ। हमारे यहाँ 1260 का हमको लक्ष्य दिया गया था। 1260 में सबसे ज़्यादा पौधे लग रहे हैं हमारे दाऊदवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में, 800 पौधे लग रहे हैं। जिला सेवोजन कार्यालय में 100, सनाया मोटर ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल में 50, जयदेव में 50, कांग्रेस ऑटो में 50, SRR एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फिरोजाबाद में 100 और हरिला इंटर कॉलेज में 60। 1260 का हमारे एक लक्ष्य प्राप्त हुआ था। हमने पौधे प्राप्त कर लिए हैं और पौधों के लिए हमको पौधे प्राप्त कराए गए हैं गवर्नमेंट नर्सरी से। ये गवर्नमेंट नर्सरी की ये इस तरीके का पदौली दिया गया है और हमको बताया गया कि यहाँ यहाँ से ऐसे ऐसे करके पौधे मिलते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से शहर में लोग देखें, हम क्योंकि शहर में रह रहे हैं और हमारे जिले को जो है हमारे विभाग को 1260 पौधे का मिला है। तो हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, विभिन्न जगह हैं, विभिन्न कॉलेजेस हैं, हमारी संस्थाएँ हैं, स्टेडियम हैं और जो कॉलेजेस हैं, उनमें हमारे लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ। संपूर्ण तो ये जो प्रश्न पूछा जाते हैं उसका जो सही उत्तर है वो अनाधिकारी दे सकते ली रही है। जो आपको जो बेसिक प्रश्न जो होता है, इसलिए सरकारी संस्थाओं के कॉलेजेस लिए गए हैं, स्टेडियम इसलिए गए कि वहाँ पर कोई ना कोई रहता है और वहाँ पर सरकारी कर्मचारी भी काम कर रहे हैं, जैसे वहाँ माली ही काम कर रहा है। तो उद्देश्य ये वास्तविकता में ये है कि जो बाद का जो प्रश्न है कि उसको रखवाली कैसे करेंगे जी, तो वो भी एक बड़ा इशू है। और जैसे आप हमारे ऑफिस में कार्यालय में घूमिए, हम जो है इतने पौधे लगा रखे हैं, बहुत हरा भरा कर लिया, बाहर निकलते हैं इतने पौधे लगाए हैं, हमको गुलाब का पसंद है, गुलाब गुलाब लगा रखे हैं। आदमी तो खुद भी जो है जिस जनपद का मैं रहने वाला हूँ वहाँ पर, तो जनपद में डिस्ट्रिक्ट देहरादून में या सहारनपुर की तरफ जब बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं 10 पेड़े लगा दें। 10 पौधे वहाँ लगाने का नियम इसलिए नहीं है, जब तक शादी ब्याह होती है 100,000 पेड़ अपने खेत के मुड़ेर पर लगा देते हैं, तो वो जब तक 1,00,000 रुपये के भी पौधे नहीं लगते हैं, 10,000 रुपये लगते हैं, वो 20,00,000 तो हो जाते हैं उसके 15 साल में, 20 साल में, तो शादी आराम से हो जाती है। नमस्कार, मैं DM फिरोजाबाद आपसे एक अपील करना चाहूँगा। आने वाले 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई को तथा हमारे जो 15 अगस्त को 75वीं आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग वृक्षारोपण जन आंदोलन का एक अभियान चल रहा है पूरे प्रदेश में। और आप सभी जनपद वासियों से हमारी अपील है कि 5 तारीख को हम लोग सभी लोग अपने अपने घरों में जहां भी हमारे स्थान में हों वहाँ एक पौधा ज़रूर लगाएँ और उसकी रखवाली करने का एक संकल्प लें। हम लोग उस दिन 25 करोड़ पौधे लगा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और आप सभी लोगों का एक सहयोग इसमें अपेक्षित है, चाहे वो प्रधान हों, हमारे महिलाएं हों, हमारे बच्चे हों, युवा हों, कोई भी हमारी शैक्षिक संस्थाएं हों, कोई भी प्राइवेट संस्थाएं हों, सरकारी एजेंसियाँ हों, सभी से हमारा अपील है कि सभी लोग पौधे ज़रूर लगाएँ। अपने नियरेस्ट नर्सरीज़ में वन विभाग से संपर्क कर सकते हैं, उद्यान विभाग से संपर्क कर सकते हैं, प्राइवेट नर्सरीज में जा सकते हैं, पर इस जन आंदोलन में हम सभी का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद।